नमस्कार दोस्तों, आप सब सब कुशल मंगल होंगे। जय हिंद दोस्तों। आजकल हमारे देश में माहौल कैसा चल रहा है, ये सभी लोग आप लोग देख रहे होंगे। एक तरफ विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और दूसरी तरफ धमकियां भी दी जा रही हैं। मतलब हमारे देश में जिसको माइनॉरिटी कहा जाता है, लेकिन वो माइनॉरिटी है नहीं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को लेकर, आरएसएस को लेकर, विश्व हिंदू परिषद को लेकर, इस्लामिक कट्टरपंथी जो हैं, जो मुस्लिम हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो पीड़ित हैं, बीजेपी उनको परेशान कर रही है, विश्व हिंदू परिषद के लोग उनको परेशान कर रहे हैं, आरएसएस के लोग भी उनको परेशान कर रहे हैं। यहां तक कि वो ये भी कह देते हैं कि उनको हिंदू भी परेशान कर रहा है, इस देश का हिंदू भी परेशान कर रहा है। आप सोचो, अगर हिंदू परेशान कर रहा होता तो 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, और 1947 में जो देश का बंटवारा हुआ था दोस्तों, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। जिन्ना ने जिद पकड़ ली थी कि हमें धर्म के आधार पर दूसरा देश चाहिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे। कई सारे और भी नेता हुए रहे होंगे उस टाइम जिन्ना के सपोर्ट में, कई सारे मुस्लिम कट्टरपंथी भी रहे होंगे जिन्ना के सपोर्ट में, जिन लोगों ने ये कहा हुआ कि हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना और हम तो दूसरा देश, हमें दूसरा देश चाहिए। उस टाइम भारत में महात्मा गांधी, जो बापू कहे जाते हैं, जिनका काम था अनशन पर बैठ जाना, भूख प्यास छोड़ देना और अपनी बात मनवा लेना। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, जो उनके चाटुकारी करते थे महात्मा गांधी की। दोस्तों, जिन्ना की जिद और नेहरू का ख्वाब कि प्रधानमंत्री बनना है, देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। उसके बाद में, पाकिस्तान बनने के बाद, ये रेडियो पर प्रसारण कर दिया गया कि जिसको जहां जाना है वो जाए, जिसको जहां नहीं जाना है वो वहां ना जाए। मतलब आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं तो रुक भी सकते हैं। कर दिया गड़बड़। 1947 में सिर्फ रेडियो पर इतनी बात बोलने पर 10 लाख 20 लाख हिंदू मारा गया, मुस्लिम भी मारा गया, सिख भी मारा गया, लेकिन जो मेजॉरिटी में होता है वो ज्यादा मारा जाता है, क्योंकि जब भगदड़ मचती है दोस्तों तो मेजॉरिटी ही मारी जाएगी। क्योंकि वहां पर ऐसा तो था नहीं कि कोई युद्ध के लिए बंटवारा हुआ हो, युद्ध से युद्ध लड़के या युद्ध जीता हो तब पाकिस्तान बना हो, ऐसा कुछ नहीं था। लोगों के ख्वाब और सपनों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान बनाया गया, भारत के दो टुकड़े किए गए कि मुस्लिमों को यहाँ रहना नहीं है, उन्हें पाकिस्तान जाना है। ठीक है, उसके बावजूद भी कत्लेआम हुआ, हिंदुओं का भी हुआ, मुस्लिम को भी कुछ मरे होंगे, ऐसा नहीं है, मुस्लिमों की भी लाशें गिरी हैं, लेकिन हिंदू ज़्यादा मरा। पाकिस्तान से भर भर के एक दो ऐसी ट्रेनें आई थी जिनमें लाशें ही लाशें थी। बस ख्वाब पूरा हुआ, लेकिन कुछ मुसलमान यहाँ रुक गए। उनको अपना देश, उनको भारत प्यारा था। हम ये नहीं कह रहे कि उनका ही देश है, वो यहाँ रुक गए, लेकिन जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था तो राजनीति और ये गंदी राजनीति करने की जरूरत क्या थी कि जब धर्म के नाम पे बंटवारा हो गया था तो जाने देते सबको कि भाई जिसको उधर जाना है वो जाए, उधर से जिसको इधर आना है तो आए, क्यों
क्योंकि पाकिस्तान बना ही था मुस्लिम के लिए। चलिए ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं और भारत एक सेकुलर कंट्री बन गई और पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बन गया। सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अभी जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है वो ये खेला जा रहा है कि हम पीड़ित हैं। लेकिन पीड़ित होने के बावजूद भी आप लोग धमकी दे रहे हो। नुपुर शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं उन्होंने डिबेट में कुछ बोला होगा, इनके कोई नबी हैं पता नहीं, हमें तो इंटरेस्ट है नहीं ना, हम जानते हैं इनके नबी और अल्लाह जो भी हैं, तो उन्होंने कुछ कह दिया होगा इनके धर्म के बारे में। तो उसको लेकर तमाम राजनीति हो रही है, दंगे हो रहे हैं पूरे देश में और धमकी पर धमकी दी जा रही है। अब देखिए जो डरे हुए लोग हैं वो धमकी दे रहे हैं। अब कानपुर में दंगा हुआ, सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहे हैं, अंधाधुंध वायरल हो रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि पूरी तैयारी से इन लोगों ने पेट्रोल बम पत्थरबाजी की, लेकिन बड़ी प्लानिंग थी ये, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाए, दंगाई जो है वो सफल नहीं हो पाए। पुलिस और प्रशासन ने वहाँ पे उनको दबोच लिया और उनके जो मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया। उसके बाद ही विक्टिंग कार्ड खोला जा रहा है। कोई कह रहा है सर काट लेंगे, कोई कह रहा है सर तन से जुदा, हाथ काट लेंगे, जीभ काट लेंगे, ये काट लेंगे, वो काट लेंगे, ये सब धमकियां हम लोग भी सुन रहे हैं यूट्यूब पे। अभी एक राजस्थान का कोई बूंदी से, राजस्थान में बूंदी शहर है, वहाँ का कोई मौलाना है, वो धमकी दे रहा था सर काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। एक बात बताओ, अगर कोई डरा हुआ व्यक्ति होगा तो इस तरह धमकी देगा? नहीं, डरा हुआ व्यक्ति हमेशा हाथ जोड़ता है और ये कहता है कि हमें भी निभाओ और हम भी आपके अपने हैं, ये चलो ठीक है। लेकिन डर है कहाँ? डर नहीं, सिर्फ दो काम हो रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पार्टी हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गई, दूसरा आपका RLD हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई। देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक खुला और एक ओपन चैलेंज भी साबित होती हैं, 2019 में हुई थी और 2024 के लिए भी पूरी तैयारी कर रही हैं कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरे वर्ल्ड और पूरे इंटरनेशनल बिरादरी में, भारत में जो BJP है उसकी पार्टी केंद्र सरकार में, इनकी सरकार है केंद्र में, राज्य UP में भी है, कई जगह है, और दो चेहरे हैं मोदी और योगी जो ज़्यादा ही पॉपुलर हैं, इन दोनों को बदनाम कैसे करना है? नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना है और योगी जी को तो वो खुला बदनाम करना है। तो ये सब यहाँ विक्टिम कार्ड खेले जा रहे हैं, राजनीति हो रही है, लोग डरे हुए हैं। भाई डरे हुए कैसे हैं? मैं YouTube पर देखता हूँ, Facebook, सोशल मीडिया, Instagram पर देखता हूँ कि लोग महादेव पर इतनी टिप्पणी करते हैं, दुनिया भर की तमाम गंदी गंदी बातें लिखते हैं, शिवलिंग को ये बोलते हैं, वो बोलते हैं और महादेव को उल्टा सीधा बोलते हैं, सीताराम, माँ सीता को गलत सलत बोलते हैं, श्री राम का मजाक बनाते हैं, श्री कृष्ण को उल्टा सीधा कहते हैं, उनको अय्यास, छिछोरा और ना जाने क्या क्या बोलते हैं, वहाँ ब्रह्मा जी को गलत बोलते हैं, माँ सरस्वती को गलत बोलते हैं, लक्ष्मी गलत बोलते हैं, और हमारे जो 9 देवियाँ हैं, जो माता रानी के जो 9 देवियाँ होती हैं, जो हमारे यहाँ नवरात्र होता है, उनके बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं। ऐसा हमने एक बार नहीं लाखों बार देखा है अपनी लाइफ में, और मैं आज भी देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर ऐसे ऐसे कमेंट किए जाते हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट किए जाते हैं, टिप्पणी की जाती हैं, दोस्तों खून खौल जाएगा आपका। लेकिन क्या किसी भी सनातनी हिंदू ने बोला कि हम सर काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, आंखें निकाल लेंगे? मैंने आज तक तो अभी कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा है किसी भी सनातनी हिंदू का जिसने ये सब बोला हो कि अगर हमारे आराध्य, हमारे देवी देवता पर कोई टिप्पणी अभद्र करेगा, गलत सलत बोलेगा, उनकी बेअदबी करेगा तो हम ऐसा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। आप सोचिए, एक बहुसंख्यक समाज अपने ऊपर प्रहार बर्दाश्त कर रहा है, अपने देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी सुनने के बाद, देखने के बाद भी
कहता है चलो ठीक है कानून हाथ में नहीं लेंगे, ये सरकार का काम है, ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है, ये अकॉर्डिंग टू संविधान उसके हिसाब से ही इनको सजा दी जाएगी। सब कुछ सोचता है वो सनातनी हिंदू। क्या सनातनी हिंदू कमजोर है? बिल्कुल कमजोर नहीं है। अगर ये इनके जैसे हो जाएं, जैसे ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं और धमकी भी देते हैं, दंगा भी करते हैं, हिंदुओं को गाली भी देते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, अगर इनके जैसा सिर्फ 10% भी सनातनी हिंदू बन जाए तो शायद इस देश में इतना बवाल होगा, ये हो सकता है इनका रहना भी मुश्किल हो जाए। क्योंकि जैसे ये और वैसा दूसरा बन जाएगा तो फिर देश में माहौल कैसा होगा? ना पुलिस कुछ कर सकती है, ना मिलिट्री कुछ कर सकती है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ युद्ध होगा। क्या होगा? युद्ध और जंग होगी। लेकिन ये देश सेकुलर और सेकुलरिज्म से चल रहा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी ईसाई तमाम तरह के संप्रदाय और मजहब हैं यहाँ पे, और सब रह रहे हैं। अगर इनके जैसे सब हो जाएं तो इस देश में खून खराबा दिन रात होगा, हर जगह क्राइम ही क्राइम होगा, अपराध ही अपराध होगा। तो ये है विक्टिम कार्ड इनका, कि एक तरफ कह रहे हम पीड़ित हैं, हम दबाए जा रहे हैं, हमको भगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये लोग कहेंगे कि हम सर काट लेंगे, सर तन से जुदा, हाथ काट लेंगे, आंखें निकाल लेंगे। राजनीति हो रही है दबा के, और ये लोग जो ड्रामा कर रहे हैं, हर सनातनी हिंदू को, प्रत्येक देश के नागरिक को, प्रत्येक मुस्लिम को ये बात समझना चाहिए कि जो देश में चल रहा है क्या यह सही है, कानून हाथ में लेना क्या यह सही है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया, उनकी जो प्राइमरी जो प्राथमिक सदस्यता थी उससे उनको सस्पेंड कर दिया, निष्कासित कर दिया, इतनी बड़ी कार्यवाही कर दी। और हमें भी नहीं पता जानकारी, कुछ उन्होंने डिबेट में बोला होगा। अब उन्होंने क्यों बोला आप बता दूं, नुपुर शर्मा ने बोला कि हम देख रहे थे कि शिवलिंग के ऊपर इतनी अभद्र से अभद्र टिप्पणी हो रही है, तो क्या बुरा नहीं लगा उनको? उनको बुरा लगा और उन्होंने भी कुछ बोला होगा, बात खत्म। ड्रामा कराया जा रहा है देश में, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, और केंद्र में भारत सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इसमें सभी विरोधी पार्टी शामिल हैं, पहली कांग्रेस, दूसरी समाजवादी पार्टी, तीसरा RLD, NCP, जितनी भी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की, वो भी शामिल है। जिस तरह से 2019 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए महागठबंधन हुआ था, उससे भी खतरनाक तरीके से 2024 में प्लानिंग की जा रही है। लेकिन क्या ये लोग नरेंद्र मोदी जी को हरा पाएंगे? क्या ये लोग केंद्र में अपनी सरकार बना पाएंगे? ये भी देखा जाएगा। दोस्तों एक बात और बताऊंगा आपको कि मुस्लिम जो है, एक तरफ ये तो कह ही रहा है कि हम डरे हुए हैं, पीड़ित हैं, लेकिन एक तरफ धमकी भी देता है, टोटल मतलब राजनीति, और ये भी घसीट लेगा कि 56 इस्लामिक कंट्री हैं वो हमारा साथ देंगे, 51 इस्लामिक कंट्री हैं वो इनका साथ देंगे। अरे घंटा कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ देने, कोई नहीं आएगा, ये तुम भी जानते हो, ठीक है, कोई नहीं आएगा ये तुम भी जानते हो, लेकिन सिर्फ तुम बरगला रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला तुमसे, जितना हो चिल्ला लो, जितना मर्जी चिल्ला लो, जितना मर्जी दंगा कर लो। उत्तर प्रदेश में दंगा करोगे, योगी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी तुम पे, तुम्हारी कमर टूट जाएगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है, बाद में सिर्फ रोते ही दिखाई देते हो, जितना चाहो चिल्ला लो, हमने रोते हुए देखा है अच्छे अच्छों को, ठीक है। तो ये
विक्टिम कार्ड खेल के यहाँ पर बढ़िया तरीके से राजनीति की जा रही है। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा कि कश्मीर में टारगेट किलिंग चल रहा है। पहले क्या होता था, जो आतंकवादी होते थे AK-47 लेकर घूमा करते थे, हैंड ग्रेनेड लेकर घूमा करते थे और लॉन्चर वगैरह भी लेकर घूमा करते थे। तो क्या था, हमारी इंडियन आर्मी ने और 370 हटने के बाद 35 हटने के बाद कमर तोड़ दी आतंकियों की, बारूद भर दिया उनके पिछवाड़े ने, आतंकियों के पिछवाड़े में बारूद भर दिया गया और उनके परखच्चे उड़ा दिए गए, उनके मंसूबे उनके सपने तोड़ दिए गए जो वो देख रहे थे। हमारी इंडियन आर्मी में हमारे जो भारतीय सेना है और हमारे जो नौजवान हैं, भारतीय सेना के जवान हैं, हमें उन पर गर्व है। उन्होंने प्रत्येक आतंकवादी की पिछवाड़े से धुआं निकाल दिया, ऐसा समझ लो आप हिंदी में। अब उन हरामजादों ने क्या किया, आतंकियों ने, और आतंकी कौन है ये तो आपको जानते ही हो आप, मजहबी जिहादी कट्टरपंथी ही आतंकवादी। उन्होंने अब क्या किया है, प्लान बदल दिया अपना और बड़े हथियार रखना बंद कर दिया। अब जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम हैं, जो लड़के हैं, उन्हीं को हायर कर लेते हैं और टारगेट किलिंग करवा देते हैं। मतलब जो गैर मुस्लिम है, बाहर से आया हुआ वहाँ पे नौकरी कर रहा है, तो उसको मरवा देते हैं, पहले पहचान करवा देते हैं उसके बाद मरवा देते हैं। और दोस्तों, 2022 से 21 कितना 21 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं वहाँ के सिविलियन की। और तो और आतंकियों ने अभी कश्मीर की एक जो टीवी एक्टर थी, मुस्लिम थी, उसने क्या किया, सिर्फ रील्स बनाती थी और वीडियो डाला करती थी, उसको टारगेट करके मार दिया, वो मुस्लिम थी, भूपिंदर कौर को मार दिया, जो एक हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका थी, प्रिंसिपल थी, उनको मार दिया। राहुल भट्ट को मार दिया, जो एक तहसीलदार के ऑफिस में कार्यरत थे, उनको मार दिया। अभी राजस्थान का एक बंदा था, वो भी हिंदू थे, उनकी पहचान करके बैंक में पहले आया आतंकी और उसने पिस्टल निकालकर उनको गोली मार दी। मतलब अब जो है आतंकियों ने अपना प्लान चेंज कर दिया और टारगेट किलिंग अपना लिया। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है, अब वहाँ पर क्या है, वहाँ के मुस्लिम कह रहे हैं कि हम जो माइनॉरिटी, यहाँ पे कश्मीर में माइनॉरिटी है दोस्तों, कश्मीर में मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिम ज़्यादा है और सनातनी हिंदू कम है और पंडित है वहाँ पे कुछ, सरदार भी हैं। तो 21 किलिंग हो चुकी हैं। एक रेस्टोरेंट पर एक बच्चे को मार दिया आतंकियों ने, इसी तरह से नाम पूछ के कि बेटा तेरा नाम क्या है, उसने बोला कि मैं फला फला हूँ और उसने उसको, आतंकियों ने उसको मार दिया। दो दिन के बाद वो बच्चा मर गया, लड़का जो था वो मर गया हॉस्पिटल में। तो 21 किलिंग हो चुकी हैं, कश्मीर फाइल्स बन चुकी है और 2022 में वो दूसरी कश्मीर फाइल्स बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। अब देखते हैं हमारी केंद्र सरकार किस तरह से काम करती है। वहाँ पर क्या है, जो मुस्लिम है उनको हायर किया, उनसे मर्डर करवाया और वही मुस्लिम फिर सम्मिलित हो गए जनता में और अपना रोजमर्रे का काम करने लगे। अब ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन आतंकवादी है और कौन वहाँ का वहाँ नागरिक है, कौन मुस्लिम है, कौन आतंकवादी है। तो ये सब कुछ अब ये लोग कर रहे हैं, आतंकी कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम वहाँ के कह रहे हैं कि हम कश्मीरी पंडित को नहीं जाने देंगे, पलायन नहीं होने देंगे और उनके सपोर्ट में भी है वहाँ पे। लेकिन बात ये कि ये नहीं समझ में आ रही है कि कश्मीरी मुस्लिम ये तो कर रहा है लेकिन आतंकवादियों का भी समर्थन कर रहा है, आतंकवादियों का सपोर्ट भी कर रहा है। अगर आतंकवादियों का सपोर्ट नहीं कर रहा, समर्थन नहीं कर रहा, तो आतंकवादी रहते कहाँ हैं, कहाँ हथियार छुपाते हैं, कौन उनको पनाह देता है, कैसे प्लानिंग करते हैं, कौन उनको दाना पानी देता है। तो दोस्तों, विचार करने योग्य बात है कि एक तरफ ये कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदुओं का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आतंकियों का भी समर्थन कर रहे हैं। इसमें केंद्र की सरकार को बदनाम करना इंटरनेशनल बिरादरी में, जो हमारे वर्ल्ड में जितने कंट्री हैं वहाँ पर इस मुद्दे को आग देना और इसको और ज़्यादा आग देना, इससे क्या होगा, कश्मीर का मुद्दा फिर से गर्माएगा और
केंद्र सरकार को अन्य देश आलोचना करेंगे। पूरा प्लान यही है इन लोगों का जो आतंकियों का है और वहाँ के कश्मीरी मुस्लिमों का। हो सकता है कुछ अच्छे मुस्लिम हो, लेकिन अच्छे मुस्लिम दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि अभी तक जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई, जितने भी हिंदू मारे गए, सनातनी हिंदू मारे गए, तो अच्छे मुस्लिम थे कहाँ? अच्छे मुस्लिम थे कहाँ? अभी हैदराबाद में एक दलित लड़की के साथ नागार्जुन ने या नागराज ने शादी कर ली, वो दलित था, तो उसको जब मार दिया जीजा ने मिलके, लड़की के जीजा ने और लड़की के भाई ने मिलके मार दिया बीच रोड पर, तो अच्छे मुस्लिम कहाँ थे? उन्होंने उसको क्यों नहीं बचाया? कर्नाटक में जब हर्षा को मार दिया बीच रोड पर मुस्लिमों ने, तब अच्छे मुस्लिम कहाँ थे? चंदन गुप्ता को मार दिया कासगंज में तिरंगा रैली के टाइम पे, तब अच्छे मुस्लिम कहाँ थे? दोस्तों ये तो एक दो नहीं, हजारों ऐसे लोग मारे गए हैं, हजारों मारे गए, भीड़ ने मारा इन लोगों को। भीड़ एक ऐसी भीड़ आती है जो एकदम से अटैक कर देती है, उन लोगों ने इनको मारा है। तो जो अच्छे मुस्लिम वाली बात होती है दोस्तों, तो अच्छे मुस्लिम हैं कहाँ? कहाँ छुपे हैं वो अच्छे मुस्लिम? अच्छे मुस्लिम तो वही हो सकते हैं जो खुलकर आतंकवादियों का विरोध करें। अच्छे मुस्लिम वो हो सकते हैं जो केंद्र के सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में हटाई गई 370 और 35A आर्टिकल जो हटाया गया उसका समर्थन करें और कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए पूरा समर्थन करें और उनके लिए लड़ाई लड़ें और ये तक बोलें कि जो आतंकी इनके ऊपर अटैक करेगा हम उस आतंकी से लड़ेंगे। अच्छे मुस्लिम की पहचान यही तो हो सकती है। क्या अच्छे मुस्लिम ये लोग हैं जो कानपुर में दंगा कर दिया? 4 किलोमीटर दूर रामनाथ कोविंद जी थे हमारे माननीय राष्ट्रपति, 40-50 किलोमीटर पर हमारे प्रधानमंत्री थे, वहीं पर हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहीं पर थे। साजिश करी, पेट्रोल बम फेंके, पत्थरबाजी की और प्लानिंग बहुत लंबी थी। इसमें विरोधी पार्टियों का हाथ तो होगा ही, लेकिन अब जब इन पर कार्यवाही हो रही है तो ये क्या कह रहे हैं पीड़ित मुस्लिम? क्या कह रहे हैं पीड़ित जो विक्टिम कार्ड कर, अब वो कह रहे हैं कि जब तो हिंदुओं पर भी कार्यवाही करो। आप देख रहे हो राजनीति किस कदर की हो रही है। अरे जब हिंदुओं ने दंगा ही नहीं किया, हिंदुओं को क्या मतलब दंगा करने का भाई? उनका क्या हो गया, उन वो दंगा क्यों करेंगे? वो तो अपनी दुकान खोले बैठे थे, आप लोग दुकानें बंद करा रहे हो। दंगा किसने किया? मौलाना ने, मुल्ला मौलाना ने और मुस्लिमों ने करवाया दंगा। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि कपड़े पहने हुए, टोपी लगाए हुए, हजारों की भीड़ में पत्थर फेंका जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे, जो कैमरे लगे थे उनको तोड़ा जा रहा है, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, हर कोई देख रहा है। तो देश में नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। टोटल राजनीति है ये। एक तरफ डरे हुए भी हैं, एक तरफ धमकी भी देते हैं कि हम किसी से नहीं डरते। वाह यार, ये दोगलापंथी लाते कहाँ से हो? डरे हुए भी नहीं हो, डरते भी हो, डराया भी जा रहा है, भय भी बनाया जा रहा है। कौन आपको डरा रहा है? मीडिया में ऐसा खूब चलता है, हम भी देखते रहते हैं। तो साजिश सिर्फ यही है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, 22 चल रहा है, सिर्फ एक साल है बीच में, 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बदनाम करना, नरेंद्र मोदी के नाम से जलना, जो उनकी छवि बनी हुई है देश में और विदेशों में, उनको बदनाम करना, योगी जी की छवि को धूमिल करना और उनको बदनाम करना, सिर्फ और सिर्फ यही साजिश इस देश में चल रही है और कुछ भी नहीं है। तो ये डरने और डराने की नौटंकी और ड्रामा बंद करिए। विक्टिम कार्ड मत खेलिए, आप पीड़ित नहीं हैं। पीड़ित वो नहीं हो सकता जो पत्थर फेंके, पीड़ित वो नहीं हो सकता जो धमकी दे खुलेआम, पीड़ित वो नहीं हो सकता जो पेट्रोल बम फेंके। अरे पीड़ित
इतना कहाँ कुछ कर पाएगा। पीड़ित तो पीड़ित होता है भाई, वो मजबूर होता है। पीड़ित तो कश्मीर में हिंदू है, पीड़ित तो कश्मीर में पंडित है, जो कब मार दिया जाए नाम पूछ के कुछ पता ही नहीं चलेगा कि नाम पूछेंगे और आतंकी गोली मार देंगे। भाई कमर में पिस्टल, कमर में माउजर लगा हुआ है, आए बोले नाम क्या है, उसने बता दिया कि हम फलाने हिंदू हैं, नाम हमारा ये है, सीधे गोली मार देंगे। ऐसा ही चल रहा ना। अभी एक अध्यापिका को मार दिया, ये चल रहा है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। बहुत सख्ती से निपटा जाएगा आतंकियों से, उपद्रवियों से, दंगाइयों से। सरकार कमज़ोर नहीं है बिल्कुल, लीडरशिप और हमारी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बहुत मजबूत नेता हैं, और योगी जी बहुत मजबूत नेता हैं, और बीजेपी में बहुत अच्छा अनुशासन है। बीजेपी ने अपनी प्रवक्ता को अभी निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया उसकी प्राथमिक सदस्यता से, नुपुर शर्मा को, और क्या चाहिए। इतनी अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मैंने तो आज तक ऐसा अनुशासन किसी पार्टी में नहीं देखा। एक वो अखिलेश यादव है जो सदन के अंदर तमीज से बात नहीं करते किसी से, इतना अहंकार भरा हुआ है। मतलब वो बंदा सीएम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष का विरोधी है, नेता प्रतिपक्ष का बंदा है, और सदन में गाली गलौज तक करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। ये है राजनीति, गंदी राजनीति। तो दोस्तों बात को समझो, देश का माहौल और देश में माहौल खराब मत करिए। हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं हो रहा है, ना बीजेपी कर रही है, ना आरएसएस कर रहा है, ना ही मोदी जी कर रहे हैं, ना योगी जी कर रहे हैं, क्योंकि हर मुस्लिम को वही योजना का लाभ मिल रहा है जो हिंदू को मिल रहा है, ईसाई को मिल रहा है, सिख को मिल रहा है, बौद्ध को मिल रहा है, पारसी, जैन, सबको मिल रहा है दोस्तों। तो कैसे कह सकते हो कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं हो रहा है। प्यार मोहब्बत से रहो, देश को देश रहने दो, दंगाइयों का देश मत बनाओ, उपद्रवियों का देश मत बनाओ, आतंकियों का देश मत बनाओ, इस देश की छवि बनाए रखो। 130 करोड़ लोगों से देश बनता है, किसी एक व्यक्ति से देश नहीं बनता है। हमारे सभी लोगों से यही विनय है, निवेदन है, प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, और हर चीज़ के लिए राजनीति मत करिए। आप डरे हुए नहीं हैं, ना ही आपको कोई डरा रहा है, सिर्फ आप ड्रामा कर रहे हैं, और ये ड्रामा बंद करिए। प्रत्येक व्यक्ति आजकल एजुकेटेड है, शिक्षित है, सब समझता है कि आप लोग क्या खेल खेल रहे हो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। और हाँ, मेरा मकसद किसी व्यक्ति को या विशेष को टारगेट करना नहीं है, मैं हर व्यक्ति को मैसेज देता हूँ, और प्रत्येक व्यक्ति हमारी बात को समझे, गहराई से समझे, और अपने अंदर एकता का भाव लाएं, प्रेम का भाव लाएं, और दंगा ना करें, किसी शहर को जलाने की कोशिश ना करें। शहर आपका है, प्रदेश आपका है, जिला भी आपका है, और ये देश भी आपका है। राजनीति चलती रहेगी, और आज भी चल रही है, पहले भी हुई थी। जान माल का नुकसान होगा आपका, घर के सदस्य आपका मरेगा, नुकसान भी आपका होगा दोस्तों। किसी राजनेता का, राजनेता का नुकसान नहीं होगा। तो आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो में।